हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और नई वीडियो में रात की प्राण विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्राण के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा मेरे प्रियजनों। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सब लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य, उसी के नाम से भी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। ऐसा जीवन जो दो दिन का नहीं है, तीन दिन का नहीं है, चार दिन का नहीं है, पाँच दिन का नहीं है, छः दिन का नहीं है, अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का जीवन है जो कभी नाश नहीं होता है, जो कभी नाश नहीं होता है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है, अपने खोजियों को दिया है। ऐसा जीवन हमारा परमेश्वर देता है। अरे कपटियों, विश्वासियों, अल्प विश्वासियों, परमेश्वर तुमको देगा, तुमको पहनाएगा परमेश्वर। अरे विश्वास करो, विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे, जो बड़े बड़े काम करता है, जो मिराकल करता है, जो मुर्दों को जिलाता है, अंधों को दृष्टि देता है, कोढ़ियापाजों को शुद्ध करता है, जो महान परमेश्वर है, जो यहोवा जुलावर है, जो यर्दन चट्टी को चट्टान को बना के खड़ा करने वाला परमेश्वर है, आपके कामों को सफल करेगा। आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म कर देगा। अरे विश्वास है कि नहीं है? अगर विश्वास होगा तो आज आप परमेश्वर के कामों को देखोगे, देखोगे यीशु मसीह के नाम में। वो महाअभिषेक आपको छुएगा, मेरे अंदर से अभिषेक निकलेगा, मेरे मुंह से अभिषेक निकलेगा। उस अनवांटिंग को मैं छोड़ता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आज आप बदल जाओगे, आपका घराना बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अरे बोलो बोलो बोलो, मुँह खोलते रहो, खोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आज आप बदल जाओगे, मुँह खोलते रहो, बोलते रहो, आपकी बीमारियां जाएंगी, आपकी समस्याएं खत्म होंगी, आपकी तंगी जाएगी, आपकी परेशानी जाएगी, आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। अरे चेंज करेगा, अरे बोलो बोलो, अरे उस परमेश्वर के परमेश्वर को बोलो जो महान है, जो दयालु है, जिसकी करुणा सदा की है। यीशु मसीह ने कहा है जो बुरे कामों को छोड़कर, जो हट के कामों को छोड़कर, जो संसारिक कामों को छोड़कर, जो मेरे पीछे आता है, मन फिराता है, मैं उसे अनंत काल का जीवन देता हूँ। अरे ऐसा जीवन देता है हमारा परमेश्वर, अरे तुमको क्यों न देगा? वो अनंत काल का जीवन देता है जो कभी नाश नहीं होता है। चर्च ऑनलाइन परमेश्वर आपको बदल देगा, आपकी बीमारियां, आपकी परिस्थितियां, अरे परमेश्वर चेंज कर देगा, अरे चेंज कर देगा। यीशु मसीह ने वचन में कहा है, बड़े बड़े काम किए हैं। एक समय की बात है कि एक जयर नामक व्यक्ति था जिसकी लड़की मर चुकी थी। यीशु मसीह किसी भीड़ से, उस भीड़ से जा रहे थे। जयर दौड़ते दौड़ते आया और कहने लगा, हे गुरु, हे स्वामी, मेरी लड़की मरने पर है, मेरी इकलौती पुत्री मरने पर है, वो 12 वर्ष की पुत्री है, वो मर जाएगी, कृपया करके तू चल उस पर हाथ रख, यदि तू मुझसे बोलेगा वो चंगी हो जाएगी। एक दौड़ते दौड़ते उसके घर से आया, यजर के घर से आया और बोलने लगा, यजर तेरी लड़की तो मर चुकी है, तेरी लड़की मर गई है, अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, गुरु को घर ले जाने से क्या फायदा, उनको बताने से क्या फायदा, अरे तेरी लड़की तो मर चुकी है। डरा दिया यजर को, डर गया यजर उस समय। परंतु यीशु मसीह ने कहा, अरे यजर मत डर, विश्वास रख, केवल विश्वास रख, यार मत डर, केवल विश्वास रख, तेरी लड़की मरी नहीं, सो रही है, तेरी लड़की मरी नहीं है, तेरी लड़की सो रही है। आया यजर के घर से आया, अरे डरा दिया यजर को। आज ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं अपनी समस्याओं से, अरे बीमारियों से डर जाते हैं और बोलते रहते हैं, अरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, शायद अब बच्चा नहीं होगा, शायद मेरी बीमारियां नहीं जाएंगी, शायद कैंसर नहीं जाएगा, शायद गिल्टियां नहीं जाएंगी, पत्थरियां नहीं जाएंगी। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह ने यजर से कहा था, यजर मत डर, अपने मुँह से मत बोल कि तेरी लड़की मर गई है, तेरी लड़की मरी नहीं, वो तो सो रही है, सो रही है। हमारा काम सो रहा है, बीमारियां सो रही हैं,
अरे यीशु मसीह बोलेगा, अरे बीमारियों उखड़ जाओ, चली जाओ पाताल में, बीमारियां उखड़ जाएंगी। अरे कह दो गिल्टियों से उखड़ जाओ, पाताल में चली जाओ, चली जाएंगी। अरे कह दो दुष्ट आत्माओं को जो गर्भ के फल को चुराती हैं, गंदी आत्माएं, अरे कह दो गंदी आत्माओं से उखड़ जाओ, भाग जाओ समुन्दर में, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अरे परमेश्वर बोलता है, अरे यीशु मसीह बोलता है, चर्च ऑनलाइन ध्यान दीजिए परमेश्वर क्या कहता है हम सभी से। एक समय की बात है, यरीहो की बात है, जो दो अंधे बैठे थे, भीख मांग रहे थे, जो यरीहो की नगरी थी, उस नगरी से यीशु मसीह जा रहे थे। अरे यरीहो की नगरी, वो तो पाप की नगरी थी, जहाँ से कोई नहीं जाता था। बहुत से संत महात्मा आए, बाबा आए, उस नगरी में पैर रखे, अशुद्ध हो गए, श्रापित हो गए, क्योंकि वह पाप की नगरी थी। यरीहो की नगरी पाप की नगरी थी, परंतु यीशु मसीह उस यरीहो की नगरी में गया, जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ पर हमारा परमेश्वर जाता है, जहाँ पर कोई नहीं जाता है वहाँ पर यीशु जाता है, यीशु जाता है। उस समय दो अंधे पुकार कर कहने लगे, अरे यह कौन व्यक्ति है, अरे यह कौन मनुष्य है जो हमारी पाप की नगरी में आया हुआ है। अरे पुकार कर कहने लगे, आगे भीड़ थी, उस भीड़ की आवाज सुनी दो अंधों ने, बोला अरे कौन जा रहा है। उस भीड़ ने कहा उन अंधों से, अरे राजाओं का राजा जा रहा है, प्रभुओं का प्रभु जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला जा रहा है, मुर्दों को जिलाने वाला जा रहा है। वहां पर अंधों ने यह सुना, तुरंत उठकर चिल्लाने लगे, कहने लगे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर दे, मुझ पर दया कर दे। यहां पर और आगे जो भीड़ वाले थे वो बोले, चुप कर, क्यों गुरु को तंग कर रहा है, वो तो राजाओं का राजा है जा रहा है, वो तो राजाओं का राजा है जो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दृष्टि देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। अरे वो डांटे भीड़ वालों ने, अरे बोला चुप कर, राजाओं का राजा जा रहा है। परंतु उन अंधों ने फिर भी पुकार के और जोर से कहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को डांटते रहते हैं, आज ये तो होता है, आज लोग यीशु का नाम लेते हैं, लोग डांटते रहते हैं, अरे बोलते रहते हैं चुप कर, क्यों यीशु का नाम ले रहा है, हमारे यीशु से नफरत करते हैं। यहाँ पर अंधों ने, अरे चिल्ला कर बोलो परमेश्वर से, चाहे जितना लोग मना करते हैं, बोलो परमेश्वर को, बोलो बोलो बोलो। आज यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखें खोल देगा, आज यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखें खोल देगा। आज आपका काम मरा हुआ है वो दूर जाएगा, आज जग जाएगा, आपके काम खुल जाएंगे। बोलो बोलो परमेश्वर के, परमेश्वर को बोलो। मेरे प्रियजनों, आंख बंद करके इस प्रार्थना को सुनेंगे, लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है। इसलिए प्रार्थना को स्टार्ट कर देंगे, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो मसीह भवन मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को आग बंद करके मोबाइल पर सुन रहे, पूरे विश्वास से सुन रहे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर इनका रोना, बिलखना, चिल्लाना आज बंद हो जाए। सुना श्री के नाम से बंद हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से तरह तरह की बीमारियां जाए, गिल्टेड डालने वाली गंदी आत्माएं छोड़ और भाग, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं भाग, यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर से अभिषेक निकलेगा, मेरे मुंह से अभिषेक निकलेगा और आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। उस अनवांटिंग को मैं छोड़ता हूँ, जो अनवांटिंग जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस अभिषेक से बंधन टूट जाएंगे, आज स्वर्गीय महासामर्थ्य से बंधन टूट जाएंगे। यदि आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, हर एक बच्चे चुराने वाली गंदी स्पिरिटो, मैं कमांड करता हूँ, हुक्म करता हूँ, हर एक गंदी आत्मा छोड़े और भाग जाए मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए, आजाद हो जाओ यीशु नासरी के नाम से, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु नासरी के नाम से। हमारा परमेश्वर आपको आजाद करेगा,
आपको चंगाई देगा। अरे बड़े बड़े काम करता है। अरे आज बोलो परमेश्वर को, हे प्रभु मेरे कामों को खोल दे, मेरी बीमारियों को खोल दे, मेरा आत्मिक अंधापन दूर कर दे, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने अपराधी हैं पापी हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें क्षमा दीजिए, उन्हें क्षमा प्रदान कीजिए, उन्हें नया जीवन दीजिए। अरे बदल दीजिए मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, घर में लड़ाई झगड़ा करने की गंदी आत्माएं, मैं श्रापित करता हूँ, मैं डांटता हूँ गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, छोड़ो और भाग जाओ इस नासरी के नाम से, आजाद हो जाओ इस मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर आजाद हो जाए, आजाद हो जाए इस मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जो मसीह बाबा रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता भय लगता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू की नींद आएगी। पिता मुझे ऐसा विश्वास है, अपने प्रार्थना को सुनाए, छोटे समय तू उद्धार करता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।